हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गुड़ के मीठे अप्पे बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी आटा, आधी कटोरी सूजी, 100 ग्राम गुड़, देसी घी, 2 चम्मच खरबूजे की गिरी, 2 चम्मच काजू और बादाम कुटे हुए, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नारियल ग्रेट किया हुआ, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और एक केला अच्छा सा पका हुआ। अप्पे बनाने के लिए अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने गुड़ को गर्म पानी में घोलकर ठंडा करके उसे छान लिया है। अब इस गुड़ के मीठे पानी में हम आटा और सूजी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसके लम्स निकल जाएं। ये देखिए, अब देखिए हमारा आटा और सूजी मीठे पानी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम मैश किया हुआ केला, नारियल ग्रेट किया हुआ, सौंफ के दाने, खरबूजे की गिरियां और काजू बादाम कुटे हुए डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसे ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। अप्पे बनाने के लिए ना बैटर बहुत पतला होना चाहिए ना ही थिक, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए, अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालकर 2 मिनट के लिए इसे रख देंगे। अब अप्पे बनाने के लिए हमने गैस पर अप्पम पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन गर्म हो गया है और अब हम गैस को धीमा करेंगे। अप्पे हमेशा धीमी आंच पर ही बनते हैं। अब हम पैन के हर एक सांचे में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब में थोड़ा थोड़ा डलेगा। ये देखिए, अब घी गर्म हो गया है और हम सारे सांचों में इसका बैटर डालेंगे। ऐसे थोड़ा सारे सांचों में इस तरह से बैटर डालकर हम इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। अब 1 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटा कर देखेंगे। ये देखिए अप्पे साइडों से ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम पलटेंगे। ये देखिए अप्पे कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं। इनको बड़े आराम से पलटेंगे हम। जो अप्पे ब्राउन हो गए हैं उन्हीं को हम पलटेंगे। ये देखिए साइड से पता चल जाता है कि अप्पे ब्राउन हो गए हैं कि नहीं। जो अप्पे नहीं हुए उनको अभी और थोड़ी देर के लिए हम रहने देंगे। ये देखिए, अब देखिए ये सारे अप्पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इन्हें मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, इसी तरह से हम ये बचे हुए बैटर के भी सारे अप्पे तैयार कर लेंगे। अब ये अप्पे बनकर सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए ये कितने स्पॉन्जी हैं और कितने सॉफ्ट हैं। आप इसे
सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, या जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।